इंग्लैंड यस इंग्लैंड हैवन प्लेड गुड एंड बहुत ही बड़ा रीजन इसका एंड ब्लेम इज गोइंग ऑन टू गैरेट साउट गेट टीम सिलेक्शन द प्लेयर्स द विल है कि नहीं एंड जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं आई कैन रियली से इट्स नॉट इट्स नॉट कमिंग होम एंड एटलीस्ट प्लेइंग लाइक दिस इट्स नेवर गोना कम होम तो भाई बात तो सही है इतना बड़ा गेम है इंग्लैंड के लिए अगेंस्ट चेक रिपब्लिक हु हैव बीन प्लेइंग रियली वेल देख सकते हो कि तुम चेक रिपब्लिक आर टॉप ऑफ द टेबल चार पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स इंग्लैंड के भी हैं बट यहाँ पे इंग्लैंड विल हैव टू विन दिस गेम अगेंस्ट चेक रिपब्लिक बिकॉज दे विल हैव टू टॉप द ग्रुप और ऑब्वियसली इतना बड़ा पोटेंशियल लेके इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेके इफ यूर नॉट मेकिंग द टॉप ऑफ द ग्रुप इट्स काइंड ऑफ अ डिसग्रेस मोस्ट ऑफ पीपल विल से दै सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लैंड की प्रॉब्लम को लेकर कैसे वो रेक्टीफाई करें कौन से वो प्लेयर्स है जिनको वो खिलाए सो गाइड यू हैव द फर्स्ट टाइम कंसडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू अ चैन एंड लेट्स प्रोसीड इन द वीडियो बिफोर वीडियो दट लेट मी टेल्यू दट दिस वीडियो इज स्पॉन्सड बाई वन फुटबॉल एप्पीकेशन इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग एप टू हैव ऑन योर फोन On that application, you'll get all the latest news about the Euros, about the Copa America, about the latest transfer that are happening around the world football. So, the best thing is that application is free. You can go down into my description and get that one football app from over there. So, now. लेट्स टॉक अबाउट दिस इंग्लैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक गेम चेक रिपब्लिक को अगर आप देखो तो उनके पहला गेम एंड सेकेंड गेम दे प्लेड रियली नाइसली ठीक है टू निल विन अगेंस्ट स्कॉटलैंड वन वन ड्रॉ अगेंस्ट क्रोएशिया जो kind of कि दे वर्क काइंड ऑफ एन अंडर डॉग्स कमिंग टू दिस गेम पीपल ऑफ थिंकिंग कि यार क्रोएशिया एंड इंग्लैंड के लिए बहुत ईजी होगा गया यहाँ पे बट यहाँ पे चेक रिपब्लिक दे हैड अ फैंटास्टिक रन अ फॉर्म चार पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं पैट्रिक शिक इज परफॉर्मिंग एट अनदर डिफरेंट लेवल मिडफील्ड में अगर तुम उनको देखो तो सू चेक ंग विस्ट हैम वाली पार्टनरशिप उनकी यहां पर आ चुकी है अगेन इट्स ग्रेट टू सी दार्टनरशिप एंड अभी रिपोर्टर ने सूचक से पूछा है नहीं like, uh, Kufal और सूचक के मोस्ट पासिस कंप्लीशन है तो यू सीज ये लिंक अप का प्ले काम कर रहे हैं यहां पर बट वॉट अबाउट इंग्लैंड वाई आर एंड दे प्लेयर्स क्लिकिंग एंड अगर तुम सूचक uh, की बात करो अगेन कार्वन फिलिप्स एंड सूचक की एक बहुत ही बड़ी बैटल होगी यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक के गेम में अगेन तुम सूचक को देखो हाउ वट काइंड प्लेयर ही इज इतना एलिगेंट प्लेयर नहीं है बट बहुत ब्रिलियंट बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है ही इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडल पार्क टू प्रोवाइड दैट पास टू रिसीव दैट पास टू फ्री द प्लेयर्स और अटैकिंग थ्रेट भी है यह बंदा एंड तुम देख सकते हो कि किस तरह की हेडलाइंस यहां पर आ रही है न्यूज पेपर में बी केयरफुल चेक द जा स्लीपिंग देख सकते हो कितना ज्यादा हाइप किया जा रहा है इंग्लैंड को आई I मीन mean, मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजन ये है इंग्लैंड की खराब परफॉर्मेंस का कि उनको इतना हाइप कर दिया गया था इतना उनको यू नो ओवर एम्फोसाइज कर दिया गया था कि दे दे वर विक्टिम ऑफ देयर ओन मैजेस्टिक फॉर्म या टीम And एक बात जैक ग्रिल्स के बारे में बात करते हैं जैक ग्रिल्स अगेन रिपोर्टर ने पूछा हाउ विल ही प्ले इफ ही प्लेस तो बंदा कहता है कि वेन एवर एवरी सिंगल टाइम ही स्टेप्स ऑन द पिच टू प्ले ही इज प्लेइंग द सेम वे जैसे कि पे खेलता था अंडर 18 में अंडर 21 में ही इज फियर ही ड्राइव्स एट द फुल बैक्स एंड यू नो उसके हिसाब से दिस टीम ऑफ इंग्लैंड डिट गेट द टाइम टू फॉर्म दैट कोहेजन वो एक यूनिटी बनाना वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाना एंड कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके डे टू डे गेम में जो पिछले दो गेम थे हमने रेली really, रेली really देखा कि इंग्लैंड वॉरेंट बेस्ट बट क्यों इतनी हाई वाई इज इट कमिंग होम लेट दम प्ले सम गुड फुटबॉल उसके बाद से कहो मुझे तो लगता है कि इटली हैव हाँ बिन प्लेंग समुटबॉल फ्रांस इवन जर्मनी को तुम देखो तो यू you नो know, अगर इंग्लैंड उस लेवल पर खेलने लग जाए जैसा कि इनका कैलिबर है दे कैन, दे कैन गो नहीं? से रिपोर्टर ने पूछा तो गैर आउट गेट ने यह बात कही कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू तो ब्रेक देक डिफेंस एक काफी डिफिकल्ट टैक्टिकल पैटर्न होगा कि उनकी डिफेंस को ब्रेक करना अटैकिंग फॉर्मेशन एकदम प्रॉपर सेटअप होनी चाहिए एंड ही सेट कि हां स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उनको गलतियां दिख रही थी बट ही इट रेक्टिफाई दम वाई वाई गैर वाई डेंट यू रेक्टीफाई द मिस्टेक्स अगर आपको गलतियां दिख रही हैं इफ यू नीड एनी पर्सन टू क्रिएट द चांसेज वाई यू हैव चेड एंड सैन चो सिटिंग ऑन द बेंच हा वाई स्टर्लिंग डे इन एन डे आउट खेल रहा है ठीक है फोर्ड इन खेल रहा है माउंट खेल रहा है वाई डोंट यू यूज जैक ग्रिलिश याई डोंट यू यूज जेड इन सैचो जो कि बेंच बैटर जीरो मिनट्स टू जेड इन सैचो सो ये जो मैच होगा अगेंस्ट चेक रिपब्लिक दिस कुड बी इंग्लैंड टफेस्ट टास्क टू बीट बिकॉज चेक रिपब्लिक आर वेरी सॉलिड टीम दे प्रेस रियली नाइसली ठीक है काफी हाई प्रेसिंग करते हैं काफी क्विक फुटबॉल खेलते हैं एंड डिफेंस काफी रिजोल्यूट है तो एक बहुत टफ गेम होगा इंग्लैंड के लिए बट क्या गलतियां हैं इंग्लैंड की किस वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्या चेंजेस कर रहे हैं आगे देखते हैं सो so, अगर इंग्लैंड की मिस्टेक्स के बारे में बात करें वेयर आर दे रियली लैकिंग क्या मतलब वो ट्रिपियर को खिलाएं जेम्स को खिलाएं या किसको खिलाएंगे क्या ट्रेंट को खिला ले इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज वॉट इज द प्रॉब्लम इज इन द मिडफील्ड एंड इन द अटैक बिकॉज पिछले तुम दो गेम से देखो कौन खेला था राइस फिलिप्स एंड माउंट खेले थे एंड पिछले क्रोशिया के गेम में भी द सेम मिडफील्ड मिडफील्ड में कोई चेंज नहीं आता बट यहाँ भी आप रिपोर्ट है यहाँ पे कि जस्ट बिकॉज बिली गिरमोर इज टेस्टेड पॉजिटिव एंड उसके कॉन्टैक्ट में बेन चिलवेल आए थे एंड उसके कॉन्टेक्ट में मेसन माउंट आए थे तो माउंट एंड चिलवेल विल बी आउट फ्रॉम दिस uh, टाई एंड हमें मिडफील्ड में अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा किसको खिलाएं आई वुड से वन गो विथ हैंडरसन ठीक है तो स्क्रीन पर चलते हैं मैं स्क्रीन पर आपको लाइनअप दिखाता हूँ येस सो ये है मेरा लाइनअप आप देख सकते हो कि वो जो मिडफील्ड थी माउंट डेकलिन राइस और कार्लन फिलिप्स की उनके जगह पर मैंने हैंडरसन एंड

चैंपियंस लीग लेवल पे कि आप उसको खिला रहे हो एंड जेडन सांचो को नहीं खिला रहे हो आप इवन रैशफोड को नहीं खिला रहे हो स्टर्लिंग खेल रहा है कई टाइम्स स्टर्लिंग इन बीन दैट गुड इन द लास्ट गेम ठीक है आप इन दोनों को खिलाते हो डलिंग राइस एंड कार्वन फिलिप्स को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है चैंपियंस लीग लेवल पे बट आप यहां पे सांचो को ड्रॉप करते हो रीजन क्या है मुझे समझ नहीं आता मुझे तो लगता है कि गैरस आउट ने पिछले छह महीने का बुंदसली देखा नहीं है कि जेड सांचो कैसा खेला है एक्चुअली 114 गोल कंट्रीब्यूशन गोल्ड 134 137 गेम्स फॉर सांचो बट अगर स्टार्ट नहीं स्पीक करते तो गिव हिम अ ट्राई गिव हिम एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स आप जूड बिलिंगम को खिला सकते हो बट यू वॉन्ट प्ले जेड सांचो सैचो वेन यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर केन टू स्कोर केन की परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रही है क्यों उन्नीस टचेज आ रहे हैं केन के यहाँ पे बिकॉज उस तक बॉल नहीं पहुंच रही है तो अगर केन को उस तरीके के प्लेयर्स के साथ खिलाया जाए जो कि लिंकअप प्ले कर सकते हैं रियल अटैकर्स हैं आई नो फोल्ड फिल फोर्ड इन बहुत ही अच्छा आई नो स्टर्लिंग अच्छा है बट हैव दे बीन बेटर दैन जेड इन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मतलब कि यहाँ पे ठीक है फोर्डन के बारे में एक बात हुई थी कि फोर्डन ने अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग सिटी के अकेडमी में खेला है एंड देन ही हैज प्लेड एट यू नो टैक्टिक्स ऑफ पेप गोर्डियोला उसको कोई और गेम प्ले खेलने में वो अकस्टम नहीं है आई एम नॉट सेइंग कि फिल फोर्डन अच्छा प्लेयर की वो मे भी गैरज साउथ गेट की टैक्टिक्स में भी फिट नहीं करता बिकॉज उसको सिर्फ पेप गोड्योला की टैक्टिक्स समझ में आती है और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये हेव रेट इन द रिपोर्ट्स ठीक है काफी सारे रिपोर्टर्स से जो बात बोल रहे थे सो वाई नॉट अगेंस्ट ये रिपब्लिक वी गो विद अ वेरी डायरेक्ट जेड इन सांचो वी गो विद ए Rashford who has been proven and Rashford है एक top top strikers and अगर बात आती है Sterling and Rashford में select करने की every single time I'll go with this guy Rashford ठीक है बाकी Kane की जहाँ बा, जहाँ तक बात है यार तो I do believe कि Kane definitely he'll be up for it कि यार उसको अपनी performance improve करनी है and यहाँ पे मैं Trippier को भी खिलाना चाह रहा था because maybe I think कि Trippier का season better रहा है बाकी लोगों से yes James definitely Champions League में काफी अच्छा खेला है but you know doesn't matter ठीक है आप even James को खिला लो it would be okay Stones को खिला लो Mings को खिला लो Megar को खिला लो Shaw

फॉरवर्ड टू बना लेगा ग्रिलिश होगा इस सेंट्रल एरिया में ऑपरेट करेगा हेंडरसन के पिच पे होने से हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक लीडरशिप मिल जाएगी तो मे बी इट कुड बी एट टाइम्स अ नॉट एंड केन हैव दैट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप जो कि यू नो प्ले एट द बेस्ट लेवल दू स्कोर सम गोल्स एंड जहां तक बात है सामने चेक रिपब्लिक है काफी रिजोल्यूट है काफी प्रॉब्लम होगी इनके डिफेंस को बीट करने के लिए जेड इन सैचो जैसा क्रिएटिव बंदा जो कि ड्रिबल्स कर सकता है जो कि इनसे रन कर सकता है उसको यूज करना चाहिए यार साउथ गेट अगर नहीं इस्तेमाल करेगा ना ही वुड बी किकिंग

को थोड़े देर बेंच दे, दे माउंट एंड चिलवेल ठीक है कॉन्टैक्ट में आए थे सो so, मिडफील्ड में माउंट की इनवेलेबिलिटी के साथ साथ हम हैंडर्सन को खिला सकते हैं हैंडरसन एंड कार्लन फिलिप्स की काफी अच्छी पार्टनरशिप होगी इन जैक रिलेस यहाँ पे सेंट्रल में ऑपरेट कर लेगा तो गाइस ये मेरा लाइनअप है अब टैक्टिक्स मैं नहीं जानता कि गैस साउथ गेट कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको केन हैज टू प्ले हिस गेम केन हैज टू इंप्रूव उस बंदे को टचेस लेंगे उस बंदे को बॉल प्रोवाइड कर होंगे ट्राई सम क्रॉसेस भाई ट्राई सम क्रॉसेस एंड ट्रिपियर को खिलाने का रीजन यहां पे था क्योंकि ट्रिपियर क्रॉसेस काफी अच्छे डालता है ठीक है लेफ्ट साइड पर लूक शॉ को प्लीज खिलाओ बिकॉज अगर लूक शॉ खेलेगा तो रैशवर्ड के साथ लूक शॉ पे यू नो मैंगनेटरी वाली पार्टनरशिप भी हो सकती है बिकॉज दिस गाइज हैविंग प्लेइंग टूगेदर अगेन आई डू बिलीव कि इंग्लैंड के पास है वो करिश्मा, इंग्लैंड के पास है वो टीम वो डिजायर तो वो वो जीत सकते हैं गेम एंड आगे जा सकते हैं बहुत ज्यादा यार. नीट टू डू पिक द राइट प्लेयर्स एंड वो अपनी जो गलतियां कर रहे हैं यार जो साउथ गेट ने बोला कि हाँ देव सीन की प्रॉब्लम हो रही थी बट उन्होंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो प्लीज गलती दिख रही है रेक्टिफाई करो मजाक नहीं चला ये यूरोस चल रहे हैं यहाँ पे इट हैज़ टू कम होम क्योंकि फोर्डन बाल कलर करवा के आया है एंड अपनी टीम को बेट किया कि अगर हम जीतेंगे तो पूरी टीम सफेद करेगी अपने बाल तो एटलीस्ट वी वॉन्ट सी दैट हैपन राइट वी वॉन्ट सी दैट्स रीजन वाई वॉन्ट सी इंग्लैंड विन मैं तो एटलीस्ट वही रीजन के लिए इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा सारे इंग्लैंड के प्लेयर सफेद हो गए बाल से <laughs> ठीक गाइज तो आई थिंक दट सेट आपको क्या ऐड करना है हु डू थिं शड भी ड्रॉप हु शुड बी प्लेड क्या ये लाइनअप से आप अग्री करते हो इफ नॉट तो लेट मी नो यिफर्ड लाइनअप एंड दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना सब्सक्राइब करना अल सी यू गाइज रियली सून इन माई नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट